बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट किया था एंटीबायोटिक्स या फिर ऐसी मेडिसिन, ऐसे मेडिकल ड्रग्स जो इस्तेमाल होते हैं जिसके लिए उसको किल डिजीज़ को, डिजीज़ के अंदर वायरसेस को या बैक्टीरिया को किल करने के लिए। तो बैक्टीरिया के अंदर जो इस्तेमाल होते हैं किल करने के लिए वो होते हैं एंटीबायोटिक्स या फिर इसकी दूसरी टाइप आएगी वैक्सीन या बैक्टीरिया और दूसरा वायरस, दोनों के खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है। उसके पहले अगर डेफिनेशन देखते हैं तो डेफिनेशन क्या है कि ये ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं या फिर किसी तरीके से भी बॉडी में एंटर किए जाते हैं होल सेल के अंदर। जब ये हमारी बॉडी में जाते हैं, हमारी बॉडी में जाने के बाद तो एक इम्यूनिटी बना देते हैं हमारी बॉडी के अंदर। क्या बना देते हैं? इम्यूनिटी। वो इम्यूनिटी क्या करती है? जब कोई बीमारी उस तरह की मिलती जुलती जिसके लिए वैसे इस्तेमाल, अगर पोलियो, जैसे पोलियो वायरस हमारी बॉडी में अफेक्ट कर सकता है तो पोलियो की वैक्सीन इस्तेमाल की जाएगी। पोलियो हमारी बॉडी में डाल दिया गया किसी तरीके से भी या हमारी बॉडी में चला गया तो हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी और जब भी पोलियो का वायरस हमारे ऊपर एक्ट करेगा तो वो हमें कुछ नहीं कह सकेगा, क्योंकि हमारी बॉडी में पहले ही उसके खिलाफ क्या चीज़ मौजूद है, उसके खिलाफ एक आर्मी बनी मौजूद है जो क्या कर सकती है, पोलियो वायरस को किल कर सकती है। इसकी सबसे पहले अगर हिस्ट्री देखते हैं, एडवर्ड जीनर था 1796 के अंदर इसने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया? एक छोटे बच्चे के अंदर क्या किया, कॉपॉक्स वायरस उसने ऐड किया। कॉपॉक्स वायरस क्या किया, ऐड किया। अब कॉपॉक्स वायरस जो होता है ना, ये सिर्फ काऊ के ऊपर इफेक्ट करता है और काउस के ऊपर इफेक्ट करता है, ह्यूमन बींग्स के ऊपर इसका कोई खास इफेक्ट नहीं होता। जब इसने कॉपॉक्स के ऊपर इफेक्ट किया, कॉपॉक्स वायरस ह्यूमन बींग के ऊपर इफेक्ट किया तो उसको क्या हुआ, उसको कोई भी बीमारी नहीं हुई उस बच्चे को। फिर उसने कुछ वक्त के बाद एक स्मॉल पॉक्स वायरस जो ह्यूमन बींग्स के ऊपर इफेक्ट करता है, उसको बीमार कर देता है, वो उस बच्चे के अंदर इन्फेक्ट किया स्मॉल पॉक्स वायरस, तो क्या हुआ, उस बच्चे को स्मॉल पॉक्स की बीमारी भी ना हुई। तो इसने कहा कि काऊपॉक्स वायरस ने उसके अंदर जाके क्या किया, कोई ऐसी चीज़ बनाई है, कुछ ऐसी चीज़ तब्दीली लाई है जो क्या किया, उसके ऊपर कोई नया आने वाला दूसरा जो स्मॉल पॉक्स जो उसी से मिलता जुलता था, काऊपॉक्स और स्मॉल पॉक्स दोनों वायरस आपस में मिलते जुलते थे और उसकी वजह से एक काऊपॉक्स की वजह से स्मॉल पॉक्स वायरस ने इन्फेक्ट नहीं किया। तो इसने क्या कहा कि अगर हम क्या करें, कोई मरा हुआ या फिर ऐसा जो हम पर हमारी बॉडी में इफेक्ट नहीं करता वायरस, वो हमारी बॉडी में एक्ट इंजेक्ट करे तो हमारी बॉडी क्या करती है, एक इम्यूनिटी बना देती है उसके खिलाफ और जब असल वाला वायरस आता है तो उसको किल नहीं कर देती। अब हम ये देखते हैं कि ये मोड ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन एक्ट किस तरह करती है। तो इसके लिए एक मिसाल देख लें कि जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं किसी चीज़ की, या फिर जो आर्मी होती है, जो नेशनल आर्मीज होती हैं, वो क्या करती हैं, प्रैक्टिस करती हैं जंग के लिए, प्रैक्टिस करती हैं। वो पहले ऐसी जंग का माहौल पैदा करती हैं अपने प्रैक्टिस एरिया के अंदर और एक नकली जंग करते हैं। उसमें क्या करते हैं, वो नकली जंग करके उसको नकली लोग आते हैं, वो नकली चीज़ें, नकली लोग आके उसके साथ जंग करते हैं और नकली लोगों से लड़ के उसको प्रैक्टिस करते हैं और ख़ुद को मजबूत करते हैं। और जब वो मजबूत हो जाते हैं नकली जंग कर करके, फिर जब उनको बॉर्डर पर भेजा जाता है, जंग करवाई जाती है असली जंग, तो जब क्या होता है कि जब वो प्रैक्टिस करके उसके अंदर स्टैमिना आ गया था उनके अंदर स्ट्रेटजीज आ गई होती हैं और जब वो असली जंग में हिस्सा लेते हैं तो क्या करते हैं, उनको वहाँ पर गालिब आ जाती है, जितनी प्रैक्टिस करते हैं उतने गालिब आ जाती है। इसी तरह वैक्सीन के अंदर होता है कि क्या किया जाता है कि ह्यूमन बींग के अंदर या होस्ट के अंदर क्या किया जाता है, पैथोजेंस को ऐड किया जाता है। पैथोजेंस क्या होते हैं, कोई ऐसा बैक्टीरिया या वायरस जो बीमारी की वजह बनता है, पैथोजेंस को ऐड किया जाता है। अब ये पैथोजेंस बैक्टीरिया या मरे होते हैं वायरसेस या मरे होते हैं, फिर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं जो बीमारी काज नहीं कर सकते, हमारी बॉडी में ऐड किए जाते हैं तो उसके अंदर मौजूद होती है एंटीजेंस। ये एंटीजेंस हमारे सेल्स में आती है, ऐसे हाउस बॉडी के अंदर आके हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर अफेक्ट करती है और हमारी इम्यून सिस्टम क्या बनाना शुरू कर देती है, हमारी इम्यून सिस्टम बनाती है एंटीबॉडीज। इम्यून सिस्टम क्या बनाता है, एंटीबॉडीज। और ये एंटीबॉडीज इसकी इस्तेमाल होती है, इस एंटीजेंस को किल करती हैं, किल करके इन पैथोजेंस को भी किल करती हैं। और किल करने के बाद एंटीबॉडीज हमारी क्या कर जाती हैं, हमारी गालिब आ जाती है और इनको किल कर, हालांकि ये तो पहले किल थे या फिर बहुत नकारा थे, लेकिन इन्होंने इसको किल कर दिया, पहले ही मरे हुए जरासीम एंटीजेंस को ख़त्म कर दिया। अब एंटीबॉडीज तो बन गई इनके खिलाफ, और एंटीबॉडीज क्या हो जाएगी, ये फ्यूचर सेल्स के अंदर, फ्यूचर के अंदर हमें मदद देगी। अभी हमारी बॉडी के अंदर मेमोरी मौजूद है इसकी कि जब भी इस तरह का बैक्टीरिया या वायरस आएगा तो हमने क्या करना है, इस तरह की बॉडी पे, इस तरह का एंटीबॉडीज भेजनी है। अब क्या होता है
कि ये तो थी नकली जंग जिसके अंदर बड़ी आसानी से जीत गई। अगर असली बैक्टीरिया पहले ही आ जाता तो फिर हमारी बॉडी के अंदर इतनी सलाहियत ना रहती कि वो एंटीबॉडीज बनाए, लेकिन अगर नकली जंग थी और नकली बैक्टीरिया थे, असली जब ये हमारी बॉडी में आया तो फौरी तौर पर एंटीबॉडी बना उसको किल कर दिया। अब ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो गया, जैसे ही असली वाला और जो मेच्योर है और यंग क्या आएगा, पैथोजन जब वायरस या बैक्टीरिया आएगा वो आके हमारी बॉडी पर एक्ट करने लगेगा, वो करने से पहले ये एंटीबॉडी उसके ऊपर एक्ट कर देगी और उसको किल कर देगी। ये है सारा सिस्टम। अब किल तो कर दिया ये चीज़ सर, अब किल करने में एक और चीज़ छोटी सी बताना रह गई, वो क्या थी, बी लिम्फोसाइट्स का रोल। बी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, हमारी इम्यून सिस्टम के अंदर दो किस्म की लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं, एक तो होते हैं बी लिम्फोसाइट्स और दूसरे होते हैं टी लिम्फोसाइट्स। हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम का किसका किरदार है, पहले तो इसके अंदर जो हमने पढ़ना वो क्या है, बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, जब कोई पैथोजन आता है बी लिम्फोसाइट्स उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाते हैं, एंटीबॉडीज बना उसको क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं, उसको क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। जब किल कर दिया और ये एंटीबॉडीज को हमारी बॉडी में स्टोर कर देते हैं, हमारे सेल्स के अंदर स्टोर कर देते हैं। अब जैसे ही नया बैक्टीरिया आया उसने फौरन उसको किल कर दिया। तो ये पहले मैंने सर आपको बता दिया, अब मैं ये बता रहा हूँ कि बी लिम्फोसाइट्स ये जो काम करते हैं वो कौन करते हैं, बी लिम्फोसाइट्स। तो ये सारा काम किसका है, एंटीजन्स को देखना, एंटीजन्स को रिकॉग्नाइज करना, एंटीजन्स के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना, फिर उसको किल करना, ये सारा किसका काम है, बी लिम्फोसाइट्स का। अब इनको किल करने के बाद ये दोबारा अपनी बॉडी में स्टोर कर लेगी ये इन्फॉर्मेशन के इस एंटीबॉडीज को, जब भी आगे से ये बदफलाना किस्म की बैक्टीरिया आएगा तो इसको इस तरह मार रहा है उसको सारी की सारी पहले इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो इसको हम सारे के सारे प्रोसीजर को क्या करते हैं, वैक्सीनेशन। इसके अंदर हमने इसकी तारीफ पढ़ी, एक्सपेरिमेंट पढ़ा कि एडवर्ड जीनर ने किस तरह किया था काउ पॉक्स और स्मॉल पॉक्स का। फिर हमने दूसरा मोड ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन पढ़ा कि एक्शन जो होता है या फिर मोड ऑफ एक्शन होता है कि किस तरह वैक्सीन हमारी बॉडी को एक्ट करता है, वो हमने सारा सारा डिटेल से पढ़ा। ये था हमारा वैक्सीन और इसके साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हो रहा है और साथ में हमारा ये चैप्टर भी फार्माकोलॉजी कम्प्लीट हो रहा है। इसके मतलब आप लोगों को क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया।